आपको कुछ अलग थोड़ा सा देखने मिलेगा। अपनी हम इस बाइक का थोड़ा सा कुछ अलग करवाने की सोच रहे हैं, तो आज बहुत सारे काम है इस बाइक पे हमको, और इसका जनरल चेकअप भी कराना है क्योंकि सेकंड सर्विसिंग अभी आई नहीं है, क्योंकि बाइक फर्स्ट सर्विसिंग के बाद चली नहीं है बाइक, तो सेकंड सर्विसिंग आई नहीं है। बट अभी राइड से हम होकर आए हैं, जो कि हमारी राइड अच्छी थी, बट हमारा जो डेटा है ना वो क्या ही बोले। अभी जा रहे हैं इसका हम जनरल चेकअप कराने के लिए रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई है, क्योंकि सेकंड सर्विसिंग लैप्स हो जाए उससे अच्छा हम जनरल चेकअप करा लें। और ये मैं सबको कहूँगा कि आप जनरल चेकअप नॉर्मली करा लिए, अगर आपकी सर्विसिंग नहीं आई है फिर भी आपको जनरल चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि पैसे आपके उसमें भी लगेंगे नहीं और आपकी जो वारंटी है वो लैप्स होने से बच जाएगी। क्योंकि अगर आपका जो बाइक है और प्रॉपर सर्विसिंग नहीं हुई है उसकी अकॉर्डिंग टू सर्विस सेंटर, तो आपको दिक्कत होगी बाद में जब आप वारंटी क्लेम करेंगे। इंजन विंजन में कोई दिक्कत हुई ना तो बोलेंगे आप तो टाइम से आए भी नहीं थे, इसलिए हम सिर्फ जनरल चेकअप कराने के लिए आए हैं इस बाइक का। तो आ गए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम, ये हम जनरल चेकअप के लिए आ गए और ये लवी भाई हमारे साथ हैं, और आप जैसा कि जानते हैं बाइक इन्हीं की है, तो बस अभी ये चेकअप हो जाए इसका। अभी आ रहे हैं अंदर से हमको अटेंड करने के लिए लोग बाग, देखो क्या होता है, इसका चेकअप कराना है बस, फिर उसके बाद चलते इसमें और भी आज कुछ कस्टम बिल्ड हमको अलग से करवाना है, देखते हैं क्या क्या आज बनवाते हैं, फिर आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही आगे, तो बने रहे इस ब्लॉग में। इसका जो जनरल चेकअप था उसमें हमारे लग गए अप्रोक्स 3.5-4 घंटे, और उस जनरल चेकअप में भी लग गया हमारा 250 रुपए। पर ये था कि गुडविल अच्छी थी, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करा ली। तो बस अभी जा रहे हैं, अब इसमें जो कस्टमाइजेशन कराना है वो भी देखते हैं। और हमको जाना था द्वारिका और हम आ गए हैं राइट रॉन्ग साइड। Few moments later.
ठीक है। ये जो हम बोल्ट खोल रहे हैं, यहाँ पर पहले साड़ी गार्ड हुआ करता था, जिसके भी पास होगी उनको, जिन्होंने खोली होगी उन्हें पता होगा कि यहाँ पे साड़ी गार्ड लगता था, और साड़ी गार्ड के जो बोल्ट थे वो लगे हुए थे ऑलरेडी पहले से ही। तो यहीं पर हमें अपनी जो कस्टम नंबर प्लेट हमने बनवाई है, ये नंबर प्लेट हम यहीं पर फिट करने वाले हैं। और ये डायरेक्ट आपको ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो नंबर प्लेट है हमने पट्टी में टाइट कर दी है दो बोल्ट के थ्रू, और जो हमने एक लोहे की पट्टी ली थी वो 13 इंच लेंथ उसकी रखना है। तो डिटेल जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको और दूंगा, और जो उसका बचा हुआ पार्ट था वो भी आपको बताऊंगा, और फाइनली लुक भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, रात हो गई थी, इसलिए हमने फटाफट इसको फिट करके देख लिया कि कैसी लगती है। तो टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट ब्लॉग।